चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज हम दोनों जा रहे हैं दोबारा से हिडन जैम की तलाश में. तो हम जा रहे हैं बारुक न्यू दिल्ली जो है बाली नगर में, है ना? तो ये इसकी रिकमेंडेशन है कि हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतने लोगों को पता नहीं है और इसने खाना ट्राई कर रखा जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है. और आगे और वो खुलता मेन शाम को ही है 6 से, वैसे तो रात तक खुलता है वो, मिडनाइट तक खुलता है आपका, 1-2 बजे तक तो खुलता ही है. और उसके पास बहुत तरीके के टिक्के हैं, बहुत तरीके का खाना है, मतलब मेन कोर्स भी है, स्नैक्स भी है. और एक बार खाने के बाद मजा हो जाएगा. अच्छा, बहुत ज्यादा. तो रुको जरा, सबर करो. हम आज खाएंगे पनीर कुरकुरे मोमोज. मोमोज नहीं खाने, मेरे को मोमोज खाने. तू मोमोज खा लियो, मैं फिर कुछ और खाऊंगी. मैं एक मोमोज लूंगा और एक दाल मखनी और पनीरी रोटी. कुछ भी यार, कुछ भी भाई, वो बेस्ट है यार. और कुछ भी बोल दो भाई, दाल मखनी खमीरी रोटी बेस्ट है भाई. दाल मखनी चलो ठीक है, अगर माना भी जाए दाल मखनी और खमीरी रोटी कौन खाता है? खमीरी रोटी के साथ ही तो है उसका मजा. दाल मखनी से खमीरी रोटी कभी नहीं खाई जाती बेटा. बटर चिकन, मटन कोरमा, जब मैं खाता ही नहीं चिकन तो मैं क्यों खाऊं? हां, ऐसे चिकन छोड़ दिया. छोड़ क्या दिया, खाता था पहले भी. तो भाई हमारे साथ होगी गड़बड़ क्योंकि वो बंद पड़ा है और गूगल पे लिखा था कि वो 6 बजे ओपन हो जाएगा पर वो कह रहे 8:30 बजे तक वो ओपन होगा क्योंकि वो मेन मिडनाइट खुलता है, वो 3-4 बजे तक खुलता है. फिर तो फिर हम अभी अपनी तलाश रोकेंगे नहीं, अभी भी हम हिडन जैम की तलाश में जाएंगे सुभाष नगर. सुभाष नगर में हमने देखा था कि 2 कपल जो कि हमने पहले मैंने नहीं खाया सेल करते हैं शॉर्मा, पनीर शॉर्मा, मटन शॉर्मा, चिकन शॉर्मा एंड वीट मोमोज. मैदे वाले मोमोज नहीं, उनके पास वीट वाले मोमोज है. तो फटाफट से चलते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया हमारा यहाँ आने में. और ऐसे ही होता है हमारे साथ ज़्यादातर, पता नहीं क्यों ज़्यादातर क्या हमारे साथ, गूगल बाबा हमेशा घपला करता है. हाँ जी, तो चलो अब गूगल पे कभी ध्यान मत देना गाइस. हाँ, गूगल पे कभी ध्यान मत देना हमेशा, जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हो वहाँ पे फोन करके पूछो. हाँ, गूगल पे कभी ध्यान मत दो बाबा, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों की भी गलती है यार वैसे तो, कि रेस्टोरेंट वाले नहीं अपना वो भेजते. चलो कोई नहीं, अब हम चलते हैं फटाफट वहाँ पे अपनी मंजिल की ओर. और फिर मंजिल के पास जाके आपको दिखाएंगे क्या क्या खाते हैं हम. कैंटीन में हमने जो है सनी आर्य जो है तहलका भाई, उसका यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, ये सपोर्ट सनी आर्य, सही है तहलका भाई, वाह सही है ना. शॉर्मा एंड मोर पे हम पहुंच चुके हैं. ये है माय शॉर्माज का मेन्यू, इसमें शॉर्मा, पेरी पेरी शॉर्मा, पंजाबी शॉर्मा, मिलाई शॉर्मा, बहुत सारी चीज़ें, सब्स भी है, ड्रिंक्स भी है, साइड्स भी है. तो भाई यहाँ हमारा रेडी हो रहा है एक पनीर शॉर्मा, एक चिकन शॉर्मा और हर्ष के लिए पनीर मोमोज. तो बढ़िया तरीके से तो बना रहे, एकदम हाइजीनिक है सब कुछ, बहुत ही बढ़िया सेटअप कर रखा है इन्होंने यहाँ पे. ये ओनर है जो बना रहे हैं चटनी वटनी. तो यहाँ हमारी 2 चीज़ें तो आ चुकी हैं. अब यहाँ पे मेरा जो चिकन, पंजाबी चिकन शॉर्मा मैंने बोला था वो रेडी हो रहा है. अब ये चिकन क्रंची है, पनीर क्रंची शॉर्मा. तो अब आप इसको टेस्ट करो, ऐसा है इसका टेस्ट. आहा, ये है इसकी शक्ल, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बढ़िया लग रहा है. 2 सॉस मिली, एक मेयोनीज और एक ग्रीन चटनी. तो आप बताओ इसका टेस्ट कैसा है, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए. खाने में अच्छा है, बढ़िया है, अलग टेस्ट है थोड़ा. हाँ, थोड़ा अलग टेस्ट है और शॉर्मा से. पनीर शॉर्मा फर्स्ट पर पहली है? बार मैंने पनीर शॉर्मा खाया, पर अच्छा है, पर ये कहूंगा कि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है. मतलब ऐसे ही अगर सिंपल शॉर्मा लेते हो आप 60, फिर ये प्राइस आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अगर पंजाबी ले रहे हो तो 80, उससे ज्यादा 90, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है सिस्टम. तो मैंने लिया है अपना पनीर चिकन शॉर्मा जो कि दिखने में है तो काफी बढ़िया. इसको खा के एक बार देख लेते हैं, टेस्ट चेक. पनीर, ये चिकन पंजाबी शॉर्मा है. हाँ, क्लासिक नहीं है, मतलब ये वाला है. एंड अच्छा है, मतलब मैंने शॉर्मा वगैरह खाए हुए हैं तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्मा का टेस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है, पर ये काफी ज्यादा मसालेदार है क्योंकि पंजाबी शॉर्मा ऑब्वियसली क्लासिक तो है नहीं. शॉर्मा लिए थे, 2 शॉर्मा लिए थे और एक हमने ये मोमोज लिए, पनीर कुरकुरे मोमोज. ये जो मोमोज हैं ये वीट के हैं, मतलब और ये ग्रीन कलर के थे, ग्रीन कलर के थे पनीर मोमोज. ये वीट है, इसमें मैदा नहीं है. तो फिर ये एक बहुत हेल्दी वाला ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आके मोमोज खा सकते हो. देखो जैसे ग्रीन कलर की ये दिख गई होगी परत. तो फिर मैदे के मोमोज नहीं है, वीट के मोमोज है. अगर आप मोमोज के दीवाने और मैदे के चक्कर में थोड़ा दूर रहते हो तो फिर आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो. कैसे हैं?
यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ है वैसे, ये देखने वाली बात है कि मतलब हम यहाँ पे जब आए थे तो एकदम बंद था, हम 5 मिनट का चक्कर लेकर आए और भाई इसने इतना कुछ स्टार्ट भी कर दिया एकदम फटाफट और इतनी सारी भीड़ भी हो गई है इसके पास, तो बढ़िया है। वैसे तो कपल है दोनों, पर कपल नहीं था, उसका भाई था उसका ना, तो यार बढ़िया है नो डाउट, पर अच्छा है टेस्ट वाइज। अगर आप मतलब शॉर्मा एक बढ़िया सा टेस्ट करना चाहते हो बढ़िया एकदम, तो यहाँ आ सकते हो, पर ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है, तो फिर ठीक है, वैसे भी चीजें महंगी होती जा रही है डे बाय डे, तो आई थिंक इतना तो कर ही सकते हैं। इस तो हमने मतलब अपना जो खाना पीना था वो कर लिया है एंड अच्छा लगा मुझे। देखो कोई वो नहीं है हेट्रेड, शॉर्मा अच्छा था, मोमोज पनीर वाले अच्छे थे, बढ़िया था सब कुछ, लाइक था क्योंकि वीक का बना हुआ था सब कुछ, तो फिर इट वॉज गुड। बट एक ही चीज है कि ओवर प्राइस है तो वो थोड़ा सा मतलब हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा, मतलब ये भी नहीं बहुत ज्यादा, पर हाँ इनोवेशन के लिए अच्छा है। वो क्या होता है कि हाँ यार अलग चीज दे रहा है लोगों से हटके तो दे रहा है, अलग चीज है। पनीर शॉर्मा बहुत, पनीर शॉर्मा चिकन शॉर्मा से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़िया था, है ना पनीर शॉर्मा, वो तो बहुत क्लासी है पनीर शॉर्मा बहुत। अब मैं ऐसी हूँ कि मैं चिकन और क्या नाम है पनीर में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, बट ये सिर्फ पनीर में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ क्योंकि पनीर ही खाएगा। हाँ। And I'm lucky enough, और मोमोज में भी पनीर का जो टेस्ट था ना, मैंने पहली बार ऐसे मोमोज खाए हैं जो बिना चटनी के खाली मोमोज भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। क्योंकि उसकी फिलिंग में मसाला था अलग टाइप का, फिलिंग बहुत ज्यादा थी, जैसे कि कोई मैजिक मसाला टाइप मसाला था उसमें कुछ, पर बहुत अच्छा था सच्ची, it was great. तो बहुत ही बढ़िया लगा, आप भी जाओ ट्राई करो, आपको भी अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा। होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।